दोस्तों 37 के उम्र में भी डीके नहीं मान रहा है हार, ठोक डाले 35 गेंदों पर 110 रन। दोस्तों टीम इंडिया के 37 साल के खिलाड़ी ने अपनी ताबड़तोब बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपने ओर खींच लिया है। एक खिलाड़ी आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के लिए खेलता दिखाई देता था। टूर्नामेंट के बाद एक बार भी टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सका। इस खिलाड़ी ने फिर एक बार अपनी बल्लेबाजी से वापसी के संकेत दिए। 37 साल के दिनेश कार्तिक T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने अब डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में भी विस्फोटक पारी खेलकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहे दिनेश कार्तिक ने 38 गेंदों पर 75 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने इस पारी में 5 चौके और 6 छक्के जड़े। दिनेश कार्तिक T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपनी छाप नहीं छोड़ सके थे। दिनेश कार्तिक ने T20 वर्ल्ड कप 2022 की 3 पारियों में 4.66 की औसत से सिर्फ 14 रन ही बनाए थे। दिनेश कार्तिक के इस खराब खेल के बाद उन्हें टीम इंडिया को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया था। वह सेमीफाइनल मैच में भी अपनी जगह नहीं बना पाए थे। दिनेश कार्तिक एशिया कप 2022 में भी टीम इंडिया का हिस्सा बनने में कामयाब रहे थे। इस टूर्नामेंट में दिनेश कार्तिक बोथ और विकेटकीपर बल्लेबाज टीम इंडिया की पहली पसंद भी रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। दिनेश कार्तिक भारत के लिए अभी तक 60 T20 मैच खेल पाए हैं। उसमें उन्होंने दोस्तों 26 के औसत से 686 रन बनाए और टीम इंडिया के लिए 26 टेस्ट और 94 वनडे भी खेल चुके हैं। इस दौरान उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा उमटा रहा था, लेकिन दोस्तों आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने जिस तरीके से खतरनाक वापसी करी थी उसके बदौलत उनको टीम इंडिया में जगह मिली थी, पर खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। पर एक बार फिर से डीवाई पाटिल में खतरनाक पारी के बाद हो चुका है कि एक बार फिर से दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में अपनी जगह बना सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।